हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लगमा में, और लगमा में आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के दिन लगमा में काफ़ी बड़ा मेला लगता है, तो फिलहाल अभी हम लोग वहीं पर चलते हैं। और ये जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, तो इस ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को ब्लॉग में पूरा दिखा दूंगा यहाँ का जो मंदिर है ये क्यों फेमस है इतना ज़्यादा, और यहाँ पर मेला है जो है कब कब लगता है, और ये जो गढ़वा से कितना दूरी पे पड़ता है, टोटल इस ब्लॉग में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये देख सकते हैं ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहे हैं, देखिए। हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं लगमा मेला में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जिसके चलते हम लोग इधर पे आ रहे हैं। और आप लोगों को बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाते हैं कितना यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। और अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर के पास, अभी चले गए मंदिर, देखिए सामने में है, और मंदिर के पास चलते हैं। उसके बाद आप लोगों को पूरा मेला घुमाते हैं, और कहाँ कहाँ पे मंदिर है और कौन कौन सा पूजा होता है यहाँ पे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और कहाँ यहाँ पे झूला वगैरह कैसा लगा वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग ऊपर में हैं, और ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कि कैसा यहाँ का नज़ारा है, और ऊपर से आप लोगों को टोटल चीज़ दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो उधर भी दिखाते हैं, और इस साइड का जो है ये भी आप लोगों को दिखा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं ये मेन मंदिर है, वहाँ पे शिव मंदिर है शायद, और इधर जो ब्रह्म बाबा का स्थान है इधर है, तो उधर भी आप लोगों को ले चलेंगे। ऊपर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है कि कैसा मेला है और कैसा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। अभी उधर चलते हैं, इधर देखिए आप लोगों का टोटल झूला वगैरह लगा हुआ है, और आप यहाँ पे जाम देखिए कितना जाम यहाँ पे दिख रहा है। इधर देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, और ये झूला वगैरह लगा हुआ है। जब नीचे चलते हैं, नीचे से ही आप लोगों को दिखाएंगे, ऊपर से आप लोगों को पूरा दिखा दिए कि कैसा ऊपर से दिख रहा है। और इस साइड में देखिए, इस साइड में देखिए, ये चारों तरफ मेला लगा हुआ है, करीब काफ़ी बड़ा है एरिया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उधर उधर भी देखिए पूरा है, और चलते हैं धीरे धीरे नीचे आप लोगों के लिए चल रहे हैं। यहाँ ब्रह्म स्थान है, यहाँ पर लोग पूजा करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अगर आप कथा सुनते हैं जो कि सत्यनारायण कथा यहाँ पे लोग सुनते हैं, तो यहाँ पे सत्यनारायण कथा सुनने से मनोकामना की पूर्ति होती है। इधर देखिए हनुमान मंदिर है, जो कि इधर देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रह्म स्थान है, यहाँ पे ब्रह्म स्थान है, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। इधर देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, और इधर देखिए पूरा यहाँ का नज़ारा कैसा यहाँ दिख रहा है। मुंडन वगैरह हो रहा है, यहाँ पे मुंडन भी होता है, यहाँ पे लोग सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुनते हैं। इधर देखिए पूजा वगैरह हो रहा है, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा मंदिर है, यहाँ पे लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हम लोग इसी में आ जा रहे हैं। इधर देखिए गाइज, इधर अपने सुंदर फेस का आप थोबड़े का फोटो ले सकते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ बैकग्राउंड कैसा है। इधर बाघ वगैरह सभी हैं, और इधर देखिए शिव मंदिर है, यहाँ पे शिव मंदिर है, यहाँ पे सब घंटी बजा रहे हैं, पूजा वगैरह करें। इधर देखिए शिव मंदिर, इधर देखिए लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा यहाँ पे सुन रहे हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा सत्यनारायण भगवान का जो पूजा होता है, कथा जो सुना जाता है, इसी मंदिर में होता है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इधर है। और गाइस वहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑफिस बना हुआ है, यहाँ देखिए ऑफिस इधर बना हुआ है, और आप लोगों का इधर देखिए ब्रह्म स्थान। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है सत्यनारायण भगवान को जो कथा है काफ़ी लोग सुनते हैं, तो आप देख सकते हैं इधर कितना ज़्यादा इधर सब कथा सुन रहे हैं, देखिए इधर में। तो गाइस यही पूरा यहाँ का मेला लगा हुआ है, और मंदिर साइड काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो वहाँ पे तो हम लोग खुद नहीं चल पा रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो क्या बनाए। इधर भी देखिए अपना आप फोटो ले सकते हैं, सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, इधर बनाया हुआ है। फिलहाल अब हम लोग मेला में से निकल रहे हैं, और इधर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो अब हम लोग आप लोग को ले चलते हैं जिधर झूलन वगैरह लगा हुआ है, मौत का कुआं वगैरह है, उधर ले चलते हैं। इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और उधर हल्ला भी ज़्यादा हो रहा था, तो चल रहे हैं उधर चलते हैं। तो गाइस मंदिर के है जस्ट बगल में देखिए, इधर झूला वगैरह लगा हुआ है,
तो स्लोली स्लोली हम लोग उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितना यहाँ पे जाम लगा हुआ है और भीड़ भी देखिए कितना ज़्यादा लगा हुआ है। तो धीरे धीरे चलते हैं झूला में और आप लोगों को दिखाते हैं टोटल चीज़ कैसा है यहाँ पे झूलन वगैरह है। और मंदिर साइड में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो उधर बहुत भागे, वहाँ से दब गए थे उधर ही हम लोग। अभी जो है हम लोग आ चुके हैं झूला जिधर लगा हुआ उधर, तो इधर आप लोगों को दिखाते हैं कि झूला वगैरह कैसा है। एक्चुअली दो तो यहाँ पे झूला है और इधर मौत का कुआं भी है, तो चल रहे हैं और मेला में आप लोगों को टोटल चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बैक कैमरा से आप लोगों को दिखा। इधर का नज़ारा दिखे कितना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ दिख रहा है, ब्रेक डांस भी दिखे सामने दिख रहा है, इधर दिखे ट्रेन है आप लोगों का, यहाँ पे मौत का झूला है, बड़ा वाला झूला है और काफ़ी ज़्यादा गर्द है यार, इतना ज़्यादा में तो बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ब्रेक डांस, इधर उधर में भी देखिए आप लोगों के एक बड़ा सा झूला है और बच्चों लोगों के लिए छोटा सा झूला है। जादू वगैरह भी है और यहाँ पे देखिए टैटू भी बनाने वाले हैं, देखिए टैटू यहाँ पे बन रहा है, देखिए लोग टैटू बना रहे हैं और इधर देखिए जादू है, छोटा मोटा जादू है। गाइस इधर भी देखिए एक झूला है और सामने देखिए मौत का कुआं, नाव है, टोटल चीज है और यहाँ पे टिकट वगैरह भी काफी सस्ता रखा गया है। और इधर देखिए बच्चे लोगों को खेलने के लिए है और भीड़ तो काफी ज्यादा है यहाँ पे, इधर देखिए ब्रेक डांस भी है। बहुत कुछ हम लोगों को खोजे लेकिन हम लोगों को कुछ वैसा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे रुके हैं फालूदा पी रहे, यही सिर्फ अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए, तो गाइस ये देखिए हम लोगों को मिला है काजू फालूदा है, इसको एंजॉय करते हैं हम, ठीक है। मार्केट में और कोई दिख नहीं रहा था खाने पीने वाला, तो इसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं बाहर में। और इधर देखिए मौत का कुआं है और काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है और गाना भी काफी ज्यादा बज रहा है। तो अभी हम लोग चलेंगे घर पे और अगर आप लोगों को यहाँ पे आना होगा तो आप लोग अगला साल आइएगा, क्योंकि यहाँ पे माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है काफी बड़ा और एक दिन बाद तक भी लगता है, मतलब कल तक ये मेला रहेगा और कल के बाद ये मेला क्लोज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि मतलब दो सप्ताह रहता है शिवरात्रि तक, तो ऐसा नहीं है, कल ये क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग आना होगा तो आप लोग अब नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं। और इधर देखिए मौत का कुआं और अब हम लोग चलते हैं घर पे और मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर, मतलब अच्छा जगह शांति जगह पे जाके आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और अभी देखिए मेले से जस्ट बाहर आके अभी बात करें क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा हल्ला सुनाई दे रहा था। तो गाइस ये जो मेला है खजूरी गांव में लगता है, जो कि लगमा मेला से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये जो है गढ़वा से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर मेराल वाला रास्ता पर पड़ता है, ये मेराल इधर है तो इधर पड़ता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर आना होगा तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, माघ मेला माघ पूर्णिमा जो होता है उसके दिन यहाँ पर काफ़ी भव्य मेला लगता है, जो कि आप देख सकते हैं कैसा है यहाँ पर। गाइस फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं घर पर, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप लोग